राजस्थान में चल रही पद्मावती की शूटिंग के सेट पर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और अन्य सदस्यों के साथ मारपीट और हाथापाई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का विरोध कर रहे कुछ राजपूत समूहों की भीड़ ने जयपुर के जयगढ़ किले में चल रही फिल्म के सेट पर प्रदर्शन करते हुए भंसाली को थप्पड़ जड़ दिया और उनके साथ मारपीट की। दरअसल विरोध कर रही करणी सिन्हा ने आरोप लगाया है कि भंसाली अपनी फिल्म पद्मावती में राजपूत रानी पद्मावती के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही करणी सिन्हा ने कहा कि भंसाली की फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण और अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे रणवीर सिंह के बीच आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए जा रहे थे। शूटिंग स्थल पर हंगामे की सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाले 20 लोगों के हिरासत में लिया गया है। भंसाली पर हुए इस हमले के बाद पूरा बॉलीवुड इनके समर्थन में खड़ा हो गया है। कई हस्तियों ने घटना की निंदा करते हुए भंसाली का सपोर्ट किया है। करण जौहर, ऋतिक रोशन, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा सहित कई बॉलीवुड स्टार्स ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री ने उचित कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में कई राजनीतिक दलों का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी ने राजपूतों की भावनाओं को ध्यान में रखने का हवाला दिया है, तो शिवसेना ने हिंदू राजा रानी के चरित्र हनन को असहनीय करार दिया है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी फिल्म की कहानी में इतिहास से छेड़छाड़ मामले को लेकर विरोध किया गया हो। इससे पहले जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी का भी विरोध देखने को मिला था। हालांकि फिल्म के सदस्यों का कहना है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। देखते रहिए डीबी लाइव।